हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं गोल्डी आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं इस टाइम अपने मायके में ही हूँ और मैं अभी रुकूँगी भी शायद एक दो महीने तक यहीं पर मुझे रुकना होगा और तो मैं इस टाइम वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं और अभी वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता मन भी नहीं करता तो सब लोग कह रहे थे कि क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ रही हूँ तो मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूँगी क्योंकि मेरे ऊपर दो दो घर की जिम्मेदारियां हैं अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी तो फिर आ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी घर चलाने के खर्चे में तो इस वजह से मैं वीडियो बनाना छोडूंगी नहीं पर इस टाइम मैं बना नहीं रही हूँ तो मैं आज आ, सो, बहुत मैंने हिम्मत करके आज मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है तो मैं सोच रही थी कि मैं अब थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊं छोटी छोटी क्योंकि अगर मैं छु बनाना छोड़ दूंगी तो फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पैसों के लिए तो इसीलिए फिर आज मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने वीडियो बनाया है और तो आज कोई ख़ास काम नहीं था क्योंकि अभी, अभी मेरे पापा को भी पंद्रह बीस दिन ही हुए हैं तो हम लोग कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं और ना कुछ ढंग का बना ही पा रहे हैं बस वही दाल चावल रोटी सब्जी ही बनता है और काम भी नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए बस जो घर का काम था मैंने आज किया है तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और मैंने सोचा आप लोगों से बातें भी कर लूँगी और जो लोग पूछते हैं ना कि मैं वीडियो बनाना छोड़ रही हूँ तो मैं बता भी दूँगी कि वीडियो बनाना नहीं छोड़ रही हूँ बस मैं अभी कुछ दिनों के लिए कभी कभार ही वीडियो डाल पाऊंगी डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और जो मेरा दूसरा चैनल है ओनली वीडियो ओनली क्लिनिंग वीडियो उस पर तो मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ उस पर मैं अभी डाल भी नहीं पाऊँगी तो इसीलिए मैं आज बस यही बताने के लिए थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था पर बड़ा ही हो गया तो मैंने मॉर्निंग में उठकर खाना बना लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं से ऑफ़िस जा रहे हैं डेली अप डाउन करते हैं तो थोड़ा जल्दी ही निकलते हैं साढ़े आठ बजे निकल जाते हैं और शाम को साढ़े सात बजे आ जाते हैं तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ता है मम्मी भी हैं मम्मी भी करवा लेती हैं सिस्टर भी करवा लेती हैं तो फिर यहाँ पर जल्दी हो जाता है वहाँ तो मम्मी जो थी ना मेरी सास तो वो बाहर करने लगती थी तो घर का मुझे ही करना पड़ता था पर तो यहाँ मेरे यहाँ मम्मी मतलब मेरे मायके में कोई जानवर नहीं है भैंस वैंस नहीं है तो फिर मम्मी भी अभी मम्मी इस टाइम नहीं करवा रही हैं और पर सिस्टर मेरी करवा लेती हैं तो जल्दी हो जाता है सारा काम तो फिर उसके बाद ऑफ़िस जाने के बाद बहुत देर के बाद में लगभग ग्यारह बारह बजे मैंने फिर झाड़ू लगाया पूरे घर में और फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया तो यहाँ बस मेरा छोटा सा ही घर है दो कमरे का घर है ज़्यादा बड़ा घर नहीं है तो फटाफट से काम हो जाता है और जो मेरा ससुराल वाला घर है वो काफ़ी बड़ा है आप लोगों ने देखा भी है काफ़ी बड़ा है बहुत टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में और यहाँ मेरे बस दो रूम हैं एक किचन है और एक छोटा सा हॉल है बस इतना बड़ा ही घर है जो पोछा लगाना पड़ता है और फिर मुझे कुछ बर्तन भी साफ़ करने थे तो फिर मैं बाथरूम में आ गई थी और यहाँ बाथरूम में ना मैं कुछ बर्तन साफ़ करूँगी उसके बाद इसी जो ए, मुझे कपड़े भी धुलने हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े थे उनको मैं भिगो कर छोड़ दूंगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा छत पे काम करवाना था तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड ने एक लड़के को रख दिया है क्योंकि हम लोग अकेले रह जाते हैं हम और मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर तो तो मेरे हस्बैंड ने एक लड़के को रख दिया है तो हम लोग उसको एक महीने में सैलरी देंगे एक महीने में एक हज़ार रुपया देंगे और वो मेरे यहाँ रात में सोता है घर के बाहर और जो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा काम होता है वो भी करवा देते हैं तो इस तरह से हम लोगों को हेल्प मिल जाती है काफ़ी हेल्प मिल जाती है और अच्छा भी लगता है क्योंकि पापा है नहीं और हम लोग कभी पापा के बगैर रुके नहीं हैं घर पर अकेले तो फिर बहुत अजीब लगता है अच्छा नहीं लगता है, बहुत मतलब बहुत रुलाई आने लगती है तो इस तरह से वो लड़का रहता है ना तो थोड़ा हँसता बोलता है बोल बातें करता रहता है तो फिर टाइम कट जाता है है हम लोग का तो उसके लिए भी वो मतलब सुबह हम लोग के साथ ही चाय पीता है और दो टाइम खाना खाता है दो टाइम चाय पीता है मतलब जितने बार हम लोग खाते पीते हैं तो उसको भी खिलाते हैं और यहीं पर रुकता है घर बस जाता है कभी कभार जाता है मतलब नहाने के लिए जाता है और जब कोई काम होता है तब जाता है नहीं तो फिर यहीं पर मेरे यहाँ घर पर ही रुकता है और यही फिर मैं आ गई थी छत पर तो छत पर मुझे थोड़ा सा काम था कि ये जो यहाँ पर ना तार बंधवाना था कपड़े फैलाने के लिए क्योंकि नीचे जो तार बंधा हुआ है तो उसको खोलना पड़ेगा अभी टंकी स्टार्ट हो जाएगी चलना तो फिर नीचे जगह नहीं रह जाती है सब टंकी चलने लगती है तो कपड़े फैलाने में दिक्कत होती है तो मैंने पिछली बार इसी टाइम पापा से बंधवाया था तो वो रस्सी पापा ने बांधा था तो वो रस्सी बरसात में टूट गया था सड़ गई थी तो इस बार मैंने तार बंधवा रही हूँ कि जिससे कि ये टूटे ना और वही मैं यहाँ पर पकड़ कर खड़ी हुई थी कि गिरे ना और यहाँ ना बाउंड्री नहीं है तो फिर तो फिर कपड़े फैलाने में मतलब तार बांधने में बहुत दिक्कत होती थी तो पापा ने कोई जुगाड़ लगाकर इसको बांध दिया था तो उसी में फिर मैंने भी यहाँ पर बंधवा दिया है और अब यहाँ पर तार मेरा बंध गया है कपड़े फैलाने के लिए तो अब हम यहीं पर कपड़े फैलाने आएंगे और आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी तो आज के कपड़े मैं यहाँ पर नहीं डालने आई थी नीचे ही डाल दिया था क्योंकि उड़ जाते और पता नहीं कपड़े में लगाने वाली चिमटी है यहाँ की नहीं है अभी मैंने देखा भी नहीं है और यहाँ ना मेरे छत से देखिए सारे खेत दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे काफ़ी सुंदर ग्रीन ग्रीन से लग रहे हैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे यहाँ पर ना शाम और मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम बहुत काफ़ी ज्यादा अच्छा लगता है और ससुराल में थी तो छत पे कभी कभार ही पहुंच पाती थी मैं शाम को तो बिल्कुल भी छत पे नहीं पहुंच पाती थी काम की वजह से बस मॉर्निंग में कपड़े डालने के लिए जाती थी और उठाने के लिए जाती थी तो और यहाँ पर ना एक खुला खुला सा है सब तो काफ़ी अच्छा लगता है और अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे पर यहाँ ना तार मेरा बन गया है तो अब मैं नीचे जाऊँगी और आज नीचे थोड़ा और काम हो रहा है टंकी का क्योंकि अभी मेन्था लगी हुई है खेत में तो उसको उसका मतलब उसको पेरने का टाइम हो गया है तो यहाँ पर ना तीन लड़के लगे हुए थे तो ये सब टंकी साफ़ कर रहे थे तो इसमें जो राख थी उसको निकाल कर बाहर फेंक रहे थे तो अब हम लोग को ना धीरे धीरे सारे काम करने हैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग करवा रहे हैं एकदम से तो शायद नहीं करवा पाएंगे तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा करवा रहे हैं आज ये टंकी का काम जो साफ़ सफाई का है वो हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर ना लोहे की सरिया का जाल पड़ता है वो फिर हम लोग को बनवा कर डालना पड़ेगा तो मेरे हस्बैंड थे नहीं तो इसीलिए हम लोग करवा रहे थे थोड़ा थोड़ा रोज करवा लेंगे इस तरह से तो एक साथ काम नहीं होगा और मेरी टंकियाँ भी चलने लगेंगी मेरे पापा ने दो टंकियाँ लगवाई थी और उसके बाद जो मैंने कपड़े भिगो छोड़े थे उनको भी मुझे धुलना था फिर इनको मैं धुल और यही नीचे ही डाल दूंगी छत पर मैं नहीं ले जाऊंगी तो बस उसके बाद ना मैंने एक स्टैंड ऑर्डर किया था तो फिर उसमें हमें कपड़े रखने हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे पापा के यहाँ अलमारी नहीं थी और यहाँ ना काफ़ी मच्छर है क्योंकि घर के आसपास काफ़ी जंगल है तो बहुत मच्छर हैं तो मच्छर कपड़ों में दिन में बैठ जाते हैं तो फिर गंदगी मचा देते हैं इसलिए हमने ऑर्डर किया था छोटी सी अलमारी जो शूज़ रखने वाली होती है ना वही मैंने अपने माई ससुराल में मंग मंगवाया था सूज रखने के लिए और यहाँ मंगवाया है कपड़े रखने के लिए तो वो कल रात में आ गई थी तो उसको मेरे हस्बैंड ने सेट कर दिया था बस मुझे उसमें सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखने हैं तो उसको मैं नहा के उसके बाद में रखूँगी तो यहाँ पर ना मेरा ट्रैक्टर जो है वो भी खुला पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं लग रही थी तो मेरे पापा बिना ब्रेक के चला लेते थे और अब जिससे हमको चलवाना है वो पता नहीं चला पाएँ कि ना चला पाएँ इसलिए मुझे उसको भी थोड़ा रिपेयरिंग करवाना है तो उसका सामान मेरे हस्बैंड आज मॉर्निंग में लेकर आ गए थे बाराबंकी से और फिर उसको कल मिस्त्री आएगा तो उसको सही करेगा तो ये देखिए वहाँ पर जो मैंने मंगवाया था ना वो महरूम कलर का था और ये ब्लू कलर का है और साइज़ दोनों का बराबर ही है तो बस मैंने सारे कपड़े यहाँ पर फोल्ड करके रख लिए थे पहले से बस अब मैं इसमें लगा दूँगी सबके कपड़े तो इसमें मेरे अंश के और मेरे हस्बैंड के हैं जो मैं लेकर आई थी न्यू कपड़े और कुछ डेली वेयर वाले कपड़े तो वो सारे कपड़े मैं इसी में लगा दूंगी क्योंकि सिस्टर के कपड़े तो नए कपड़े बक्से में रखे हैं मम्मी के भी न्यू कपड़े बक्से में रखे हैं बस डेली वेयर के कपड़े जो होते हैं वो बाहर टंगे हुए हैं तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े सेट हो गए हैं और ये मेरी सिस्टर है छोटी सिस्टर बस हम दो सिस्टर ही सिस्टर हैं मेरे कोई भाई नहीं है और मेरे पापा थे पापा को भी मेरे भग मतलब मेरे पापा को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया है तो अब हम लोग बस दो ही लोग हैं मम्मी हैं बस तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा